Hello everyone, welcome back to another video. And in this video we are going to talk about the vaccination. कई सारे questions थे vaccination के लिए कि अगर कोई student Russia या फिर Ukraine travel करता है तो क्या उसे vaccination की ज़रूरत है. आज हम उसी बात पर बात करेंगे. उसी topic पर बात करने के पहले मैं कुछ चीज़ें आपको clear कर दूँ कि Russia और Ukraine में जो वैक्सीनेशन अभी लगाया जा रहा है दैट इज़ स्पूतनिक, और हमारे इंडिया में ये तीन वैक्सीन लगाए जा रहे हैं दैट इज़ कोविशील्ड, कोवैक्सीन एंड स्पूतनिक. इस टाइम पे ये तीन वैक्सीन हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं और इसमें से सिर्फ और सिर्फ कोविशील्ड ही लाइक वैलिडेट है फॉर बाय द WHO. सो अगर किसी स्टूडेंट्स को लगता है कि वो आगे फ्यूचर में किसी दूसरे यूरोपियन कंट्री या फिर कहीं और ट्रैवल करना चाहता है, ठीक है, रशिया यूक्रेन के अलावा लाइक किर्गिस्तान जितने CIS कंट्री हैं उनको छोड़कर और भी किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करना चाहता है, देन दे शुड गो फॉर कोविशील्ड वैक्सीनेशन. जस्ट बिकॉज क्योंकि स्पूतनिक वैक्सीन जो है और कोवैक्सीन जो है वो WHO से रिकॉग्नाइज नहीं है. दूसरी चीज़ जो मेन थिंग हम आपसे बात करना चाहेंगे वो है कई स्टूडेंट्स जो कि इंडिया में अभी लाइक ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं वो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें क्या वैक्सीनेशन लाइक लेना चाहिए इस टाइम पे. तो गाइस इट्स डिपेंड अपॉन द टाइम पीरियड विच यू हैव फ्रॉम टुडे एंड टिल द डिपार्चर डेट. सो अगर आपका डिपार्चर डेट 84 डेज के अंतर्गत ही आ रहा है देन यू शुड गो फॉर द वैक्सीनेशन प्रोसीजर and go for the Covishield vaccination just because it will be validate for everywhere. And the second thing is agar aapka wo departure date ke pehle agar aa raha hai, for example 84 days ka jo time period hai second vaccination ka, second dose ka, to agar wo pehle aa raha hai then just don't go for vaccination just because aapka adhura vaccination hoga, like pehla dose aapko lagega. And again you need to restart from the Sputnik vaccine. So it's better to wait for 1.5 months because most of the people are going to travel by August, by the first week of August. So it is better not to take vaccine and wait for 1.5 month, and then when you will travel to Russia or Ukraine you can go for the Sputnik vaccine because it will be free from the government only. ओके, सो जो रशियन गवर्नमेंट है यूक्रेन गवर्नमेंट है ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देगी लाइक वैक्सीन. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग एंड दिस आर द मेन थिंग्स विच आई वांट टू डिस्कस अबाउट लाइक द वैक्सीन प्रोसीजर. एंड द सेकंड थिंग इज जिन बच्चों ने ऑलरेडी वैक्सीनेशन ले लिया जब वो ट्रैवल करेंगे देन रिक्वायर्ड द सर्टिफिकेट टू बी प्रिंटेड और उस पे आपके पासपोर्ट नंबर मेंशन होने चाहिए. कई बच्चों ने लाइक अभी तक जो वैक्सीनेशन करवाया है उनके लाइक वैक्सीनेशन रिपोर्ट में आपके आधार कार्ड उसमें मेंशन है. गाइस डू वन थिंग, जस्ट लॉग इन टू कोविन वेबसाइट एंड ओवर देयर विल बी, जैसे आप लॉग इन करते हैं देन देयर विल बी वन लाइक टैब विच इज़ रेश एंड इशू. एंड जब आप वहाँ पर क्लिक करेंगे देयर विल बी ऑप्शन फॉर एड पासपोर्ट डिटेल. जैसे आप एड पासपोर्ट डिटेल करते हैं विद इन 5-10 मिनट्स योर पासपोर्ट डिटेल विल बी अपडेटेड इन योर लाइक सर्टिफिकेट. सो इट इज़ बेटर टू डू दिस थिंग एंड मेक श्योर योर सर्टिफिकेट वुड बी लाइक हैव दैट पासपोर्ट नंबर ऑल्सो बिकॉज आधार कार्ड इज़ नॉट वैलिड in other countries. So be assured that your passport number is printed over there. And these are the things which I need to discuss about the vaccine. And the next video will be for the Crimea admission and the Kuban admission. So guys, till the next video, do subscribe our YouTube channel. If you like this video, please hit the like button, share this video with your friends, with your families. And don't forget to subscribe our YouTube channel. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.